जी खबर है कि साले नौ की आमद पर मेहदी बरादरान ने अपना एल्बम लॉन्च करने का ऐलान कर दिया। क्या अच्छा एमन अलाप कर रहा है। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर के भी मेरी तुझे एक दफा क्या हुआ के आप यकीन करें कि इटली में याद है आतिशफशां पहाड़ के पहलू में बैठ के गाया। भाई आप शायद भूल रहे हैं, आतिशफशां के ऊपर बैठ के गाया था और पहले अंतरे पे ही आतिशफशां फट पड़ा, दूसरा अंतरा भाई ने मरीख पे बैठ के गाया वो भी फट पड़ा। मैं क्या सुना कूड़े भाई की क्या बात है, क्या भाई के बारे में बताऊं, दफा करें। देखें हम चूंकि गायकी घराने से ताल्लुक रखते हैं, हमारे मदाओं की एक लंबी फहरिस्त है जो हमें गालियां देते हैं। दिन चढ़ते ही हमारे मदा हमारे घर पहुंच जाते हैं। भाई ने उनके पैसे देने होते हैं। हमारा मदा कुछ सब्जी वाला है, कई मदा तो भाई को सुबह सुबह ठुड्डे मारने आते हैं। क्या करने? ठुड्डे मारने। क्यों? लाडला है तभी नटखट है, मैं इसकी बात का ज्यादा बुरा नहीं मनाता। भाई ने बड़ा बड़ा मुश्किल रियाज किया। अच्छा। कभी बिजली के खंभे पे चढ़ के, कभी तंदूर में बैठ के। भाई रोटियां लगा भी लेता है, चुरा भी लेता है, भाई के दम से ही सब कुछ है। जियो जियो खुश रहो। भाई हफ्ते में एक बार रेड़े के नीचे जरूर आता है। क्यों? याद है छोटे जब हमने एक प्रोग्राम अफगानिस्तान में किया जी, जाहिर शाह वो जो किंग था उसके सामने हमने गाया, क्या समा था जरा बजा। वहाँ के जो सुनने वाले थे सामीन, चार घंटे उन्होंने हमसे गाना सुना। अच्छा। पांच घंटे हमें बांधी रखा। क्यों बांधे क्यों रखा? भाई ने किंग नो जुगत करती थी। और उसके बाद एक शो फिर हमने कंधार में किया। वहाँ क्या हुआ? वहाँ भी यही हुआ, हमें काफी देर बांधे रखा। यार क्यों बांधे रखा? असल में भाई ने प्रोड्यूसर के अखरोट चुरा लिए थे। यानी कंधार में चुराया भी तो अखरोट? आप अखरोट की बात कर रहे हैं, भाई तो सिगरेट भी चुरा लेता है। यार भाई चोर है। ये तो फजूल बातें कह रहे हैं, आप तो सियाने ब्याने हो, ऐसे क्यों मत दो जिससे दिल आजारी हो। भाई बहुत मुश्किल रियाज करके इस मुकाम तक पहुंचा है। अच्छा। एक दफा नहर में बैठ के रियाज कर रहा था, किसी ने पानी छोड़ दिया। भाई फिर पंजनत से मिला। लाहौल वाला को इनवी को मच्छी ने बने। अच्छा मछली ने क्यों बांधा था? वो दे अंडे चोरी कर रहे हैं। ये तो बकवास किए जा रहे हैं, को गजल सुननी है कि नहीं? नहीं सुननी है, सुननी है खास। तो फिर ये ही मत करो, गाने पे तवज्जो दो। भाई अक्सर गाने में ही भी कर जाता है, कभी करते हैं कभी निकल जाता है। अजे तो सी गए मेरे साडा हार गया दिल, अजे तो सी गए मेरे साडा हार गया दिल, बस जितने प्यार ने उगार दिए, जब लड़ गई अख होए दुनिया तो बख, लड़ गए। मैं आपको बताऊं तो यार फिर क्या कमाल है, ये मैं आप तारीफ ही ना करूं। इतना मशहूर वाक्य है ये, अमेरिका का जो रेडियो है वो भाई ने ठीक किया था। अमेरिका का जो रेडियो है क्या हुआ था उसको? सन 1920 में उसका इफ्तिताह हमारे दादा ने किया। हमारा वो दादा जो मिस्त्री भी था। वो दादा से मुराद हमारे दो चार दादे हैं। हमारे दो चार दादे गुम भी हो चुके हैं। ये भी पिछले दिनों भाई को ठंड लग गई। अबे मैं वो बात बता रहा हूँ, भाई को जून जुलाई में ठंड लग जाती है। कहाँ? गिलगित बल्तिस्तान जाते हैं? नहीं, बर्फ का अपना पट्टा है।
यार इसका क्या मतलब है? असल में भाई बर्फ बेचते भी है। देखो जहाँ बहुत सारी फजूल बातें कर रहे हो वो भी बताओ, ये पिछले दिनों मियां शहबाज शरीफ ने हमें एक इफ्तिताह पे बुलवाया और बांध दिया। क्यों? हमें जाते ही पहले बांध देते भाई, मियां साहब की जेब काटने लगे। कैसी अजीब बात कर रहे हो, ओ पला जेब कटन देता पाजी। नहीं खास साहब आपने काटी तो होगी जेब। ओ केहो जी गल कह रहे हो जनाब, छे थे उन जेबा ने बंदा केड़ी केड़ी कटे। मैंने तो जरदारी साहब को भी रियाज करवाया है। जी हाँ मलिक रियाज। और बातें ना करो, सुर की बात करो, कुछ सुनिए जरा। जी जी अता कीजिए जी। निशान भी कोई ना छोड़ा के दिल को समझाए, निशान भी कोई ना छोड़ा के दिल को समझाए, तेरे तलाश में जाए तो कहाँ जाए, शादी हो न छोड़ा। भाई बचपन से ही मुझे मारते हैं। अच्छा। चपेट तो कभी नहीं मारी, अक्सर दुलत्ती मार देते थे। मेरा भाई छोटा सा खोता भी तो तुसे अक्सर मदरे खोते देखे होंगे। मेरे भाई ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। बड़ी बड़ी महफिलों में मैं इसे साथ लेके गया हूँ मांगने। क्या कर रहे? मांगने। भाई ने मुझे हर हुनर सिखाया, मसलन जेब तराशी, मांगना, किसी की चीज उठा के दौड़ जाना। भाई अक्सर दौड़ के फटे थैले बढ़ जाता था। असल में मेरा भाई बड़ा मनहूस आदमी है। ये तुम हमेशा बताते हो। ये जब पैदा हुआ तो चांद ग्रहण लगा हुआ था, बल्कि इसके पैदा होते ही लग गया। भाई के पैदा होते ही हमारा मीटर कट गया, दूसरे दिन नलका कट गया, तीसरे दिन अब्बा जी की जेब कट गई और पर्चा भाई पे हुआ। ये उस वक्त छिले में था और इसने अपना जुर्म कबूल किया, इन्हें दाई दे पैसे भी काट ले जाए। भाई बहुत बड़ा कालम निगार भी है। एक दफा मेरा कालम पढ़ा ये दिलीप कुमार ने, उन्होंने वहां से गालियां दी। हमें कूट बोलता ही चला जा रहा है, एमन इनको पसंद है, सुरीले लोग हैं, तो एमन सुनाओ। जी जी एमन प्लीज। क्या बात है, थोड़ा सा ये पाउडर लगा लो, थोड़ा सा पाउडर। तबले को पित निकली हुई है। सर आपकी जेब में कोई कीमती चीज तो नहीं? क्यों भाई आपके घुटनों को हाथ लगाना चाहता है। भाई ने जब भी किसी के घुटनों को हाथ लगाए हैं उनकी जेब काटी है। एक दफा मलका बरतानिया ने सर फाड़ लिया, ऐसी पूरी जेब भी नहीं थी, भाई ने फिर काट ली। काम की बात करो। खैर इजाजत है। जी जी जी। शाबाश शाबाश। रंजिश है सही, रंजिश है सही, दिल ही दुखाए के लिए रंजिश है सही, दिल ही दुखाए के लिए मैं आपको बताऊं कि इस गजल में जो रचाओ था। अच्छी भली गजल चल रही थी या झालर वाली बतख। क्या इतना खौफ है उस भाई का कि आप
जब वो वाह वाह कहते हैं तो फौरन रुक जाए। देखें, दाद और इमदाद जब मिले फौरन ले लो। क्या गल की थी इसहाक डार दे बच्चे। ए कौन है? ए असेंबली दा इलेक्ट्रीशियन है। असेंबली नहीं यार, वो तो सेनेटर है। तो क्या सेनेट में बिजली नहीं होती? जब मैं छोटा था तो मैं सहरा में निकल जाता था भाई। बचपन में पागल था भाई, अक्सर रेगिस्तानों में रियाज करने जाता था। अच्छा। मुझे ले गया, मैं छोटा सा था। अच्छा। भाई उस वक्त भी इतना ही था। भाई ने मुझे माँ बन के पाला। खुद खुश्क जगह पे लेट जाता था, मुझे गीली जगह पे लेट। उलट बता रहे हो? मैं ठीक बता रहा हूँ भाई, जान की जगह गीली करता। आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।